नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय जालंधर में हूं और एक बहुत ही शानदार खबर आपको दिखा रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं जो पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं उसमें ये तमाम इस तरह की जो कड़ियां जुड़ती जा रही है वो ऐतिहासिक है। मैं इस समय पंजाब के गांव में हूं और ये खेत खलिहान आप देख रहे हैं। बाबा साहब ने जो कहा था ना कि पढ़ाई लिखाई जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन यहाँ साजिश करके जो सवर्ण समाज के लोग थे, आरएसएस लोग के लोग थे, जातिवादी थे, मनुवादी लोग थे, उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा देना शुरू कर दिया जिसमें हमें लड़ाई की वजह ही नहीं पता चली। अंग्रेजों के दौर में भी ज़्यादा बेहतर शिक्षा थी, उसके बाद कैसे SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को गुलाम बनाया जाए, इस तरह की शिक्षा दी गई। और कल राजतंत्र, तो ये देखिए एक ठीक उसके उलट बहुजन समाज के लोग कोशिश कर रहे हैं और जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय बुद्धिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, बाबा साहब ने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, ये है बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशनल बींग ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट, बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक स्कूल इसका नाम है। और फूलपुर धनवाल जालंधर में हम दिखा रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन है 6/12/2002, मिस्टर सोहन लाल गिंधा UK, ये भी मेरे साथ हैं, ये स्कूल है। और अब आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये खबर कितनी ज़रूरी है, और ये किसी ने मुझे यहाँ का पता बताया, उसके बाद मैं आया हूँ। और कैसे बहुजन समाज के लोग बदल रहे हैं ये देखिए, पंजाबी में ज़रूर लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूँ। और बढ़िया स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और नो लाभ नो मतलब बेनिफिट नो लॉस पे स्कूल चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें आप देख लीजिए, पहले दिखा दे रहा हूँ स्कूल की, सिर्फ नाम के लिए नहीं किया गया है। मुझे याद है मैं एक बार एक 3री क्लास तक के बच्चे की स्कूल की ये स्टोरी बनाई थी जहाँ फ्री पढ़ाया जाता था, यहाँ मामूली पैसे लिए जाते हैं लेकिन जो पढ़ाया जाता है उसका जब नमूना देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। और ये देखिए ज्योतिबा फुले डॉक्टर तथागत बुद्ध माता सावित्रीबाई बोधिसत्व अम्बेडकर पब्लिक स्कूल, तो ये मैं स्कूल का कैंपस दिखा रहा हूँ आपको। तो सिर्फ खानापूर्ति नहीं है और टक्कर दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों को, पहले पूरा दिखा दूँ उसके बाद लोगों से बात करूँगा। शानदार साफ सफाई का इंतजाम है और एडमिन ब्लॉक देखिए, वहाँ सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर, माई साहेब अम्बेडकर, ये तीनों लोगों की तस्वीर है। और उसके बाद जो है वो स्कूल है, तो इस तरह की कोशिश हो रही है, पहल हो रही है, साफ सफाई का बहुत बढ़िया इंतजाम है। ये देखिए ये सारे नल हैं और नो बेनिफिट नो लॉस पे स्कूल चल रहा है। मैं बच्चों से भी बात कराऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा एडमिन के लोगों को जान लेते हैं। सर स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर, बताइए कब से 2002 में सफर शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? हाँ, जब हम 14.5 साल के थे स्कॉटलैंड गए थे, उस समय मैं 10th में पढ़ता था, तो भीम पत्रकार की वजह से बाबा साहब के बारे में हमको पता चला कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो जो एजुकेशन के दरवाजे थे वो खोले हमारे लिए। तो उस समय हमारे सब दिल में यही था कि उधर जाकर पैसे कमाकर बाबा साहब के नाम से कॉलेज बनाना है, कॉलेज बनाएंगे। तो फिर उधर जाकर, उधर भी अम्बेडकर मिशन का बुद्धिज्म का काम करते रहे। और फिर पिछले 20 सालों से हमने इधर जो एक ट्रस्ट की स्थापना की, और उसका मेन जो काम था पंजाब में, क्योंकि अंधविश्वास बहुत था, दूसरा था, और बाबा साहब के जो उन्होंने बुद्धिज्म का हमको एक बहुत बढ़िया तोहफा दिया है उसको आगे रखकर यहाँ पर एक ट्रस्ट कायम किया गया था। तो उसमें से फिर अच्छा। उसमें से फिर एक एजुकेशन बैंक निकाला, क्योंकि बाबा साहब ने एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि आप लोग आइए साथ में आ सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको MLA MP बनाना चाहिए जिन लोगों ने पहले कुछ साबित किया है। पता नहीं हमारे लोग नेता कैसे चुनते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को MLA MP बनाइए, तब जाके आपके समाज का कल्याण होगा जिन्होंने पहले कुछ काम करके दिखाया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या नाम हुआ आपका, जसवंत राय सिंह, आप कैसे जुड़े हुए स्कूल से? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर रिटायर हुआ हूँ 2016 में, और उसके बाद मैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट में फ्री सर्विस देता हूँ। और मुझे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है उसके लिए हम बहुत देर से काम कर रहे हैं। चलिए प्रिंसिपल साहब से मिलवाते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है, जय भीम नमोदय। अच्छा, सब लोग जय भीम नमोदय, कितने साल से आप यहाँ हैं? शुरू से ही 2001 से शुरू हुआ, तब से अपने हाथों से शुरू किया है ये 13 बच्चों अपने हाथों। लेकिन आगे की चीजें बताता हूँ, ये तो इंटरव्यू है और क्यों जरूरी है ये, और लोकेशन बताइए। देखिए मैं ऑफिस में घुस रहा हूँ, ये बहुजन कैसे स्कूल बदलता है,
सवर्णों के स्कूल में जाएंगे तो आपके बच्चे को वहां ये बहुजन आंदोलन नहीं मिले। और सुन लीजिए, ये कोई कर्मकांड नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं, बुद्धिज्म कोई मजहब नहीं का प्रचार नहीं है। तथागत बुद्ध सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट थे, बाबा साहब अम्बेडकर। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये किसी को कर्मकांड में घसीटने की कोशिश नहीं है। और कैसे ये बहुजन समाज बनेगा, आपके बच्चों को कैसे खत्म करने की कोशिश की गई है, इसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये पार्टी का, ये ऑफिस का दफ्तर है। तो हम क्यों पिछड़ रहे हैं, इसकी वजह समझिए। हमारे बच्चे जो हैं वो आइडियोलॉजिकली क्यों पिछड़ रहे हैं। मैं फिर राजेंद्र सिंह की लाइन याद करूंगा, वो इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में नहीं भेजा सीधे, जब तक वो जिंदा रहे, मरने के बाद पार्लियामेंट गए, लेकिन उनको वो चिट्ठियां लिखते थे, वो उनको अपना अपनी संस्कृति और अपना इतिहास बताते थे। और इंदिरा गांधी ने 16 साल राज किया। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा इतिहास नहीं जानता है, जिसने लड़ा नहीं है, हम उसको नेता मानने लगते हैं और वो जाके गुरुगोबर करता है। और हमारे बहुजन समाज, आप लोग कहते हैं ना हमारे युवा क्यों नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कि उनको परवरिश इस तरह से नहीं हो रही, उनकी स्कूलिंग इस तरह से नहीं हो रही है। और ये बड़ी कोशिश है, और मैं अभिभूत हूं, खुश हूं। जरूर ये छोटी पहल है, लेकिन सोचिए कि किस तरह से समाज, ये देखिए, ये तमाम प्रतीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक आदमगत तिरंगा, ये देखिए हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, ये जो हमारा नेशनल प्रतीक है। और ये देखिए, ये तस्वीर है, जब बच्चे देखेंगे, और इसका असर दिखाऊंगा, मैं देख के आया हूं, तो आप दंग रह जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, ज्योतिबा फुले। तो बहुजन समाज के लिए इनको आपको नेता माना चाहिए, और ये सब बहुत जरूरी है। और यहाँ स्टाफ भी, आप लोग जय भीम बोलते हैं, मतलब दबाव है या प्रेशर है या आदत हो गई है? नहीं सर, दबा नहीं, ये हम एक तरह का, जो हम दिल से रिस्पेक्ट है बाबा साहब के लिए, हमारे संविधान के लिए। तो यहाँ आने से पहले बाबा साहब के बारे में सारी बातें जानते थे? बिल्कुल नहीं, जो मैंने यहाँ आकर सीखा वो मैंने कहीं नहीं सीखा, जो मुझे यहाँ नॉलेज मिली। चलिए, स्टाफ हो सकता है दबाव में होके बोल दें, चूंकि स्टाफ होता है, बच्चों का दिखाऊंगा रिएक्शन, तब आपको पता चलेगा कि आंदोलन कितना जरूरी। आप क्या करते हैं यहाँ? जय भीम सर, मैं प्लस टू क्लास का इंचार्ज हूँ यहाँ। अच्छा। और मैं पिछले 8 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ यहाँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। चलिए, ये सब तो दिखा दिया, बिल्डिंग दिखा दिया, ये जरूरी था, क्योंकि हवाबाजी ने। अब बच्चों से मिलवाऊंगा, और कैसे आपके बच्चे मुद्दे पर जाके लड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। बहुत साफ सफाई का इंतजाम है, शानदार है। और छोटे स्कूल से शुरू करूंगा, UKG से, और तब आपको पता चलेगा। और ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा बताइए ना, ये लोकेशन बता दीजिए, कोई आपसे लोग मिले, ये इसको एड्रेस बताइए एक बार। विलेज फूलपुर धनाल, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, नियर लामबड़ा। और जलंधर सिटी से सर 7-8 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर दूर है। तो बच्चे की फीस कितनी होगी, सबसे छोटे वाले बच्चे की? हाँ जी, फीस कितनी है प्रिंसिपल साहब, सबसे छोटे क्लास वाले बच्चे की फीस कितनी है? 300 रुपए बस, बस, बस। तो देखिए, सिर्फ 300 रुपए फीस है। और हाईएस्ट 10+2 वाले बच्चे की कितनी फीस होगी? 800 बस, 800 तक हाईएस्ट है। बताइए, इतनी शानदार स्कूल है और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हाईएस्ट फीस जो है यहाँ 800 रुपए है। और समझिए कि शहरों में जो प्राइवेट स्कूल है उसमें किस तरह से लूट मार मची है, और वहाँ आपके बच्चों को जो उन्हीं का सवर्ण जो स्कूल चला रहे हैं, जातिवादी मनुवादी लोग जो स्कूल चला रहे हैं, वो फायदे के लिए चला रहे हैं। यहाँ नो बेनिफिट नो लॉस पे स्कूल चल रहा है, और उससे बहुजन आंदोलन तैयार हो रहा है, जो कि दुनिया को बचाने का, इंसानियत को बचाने का, धरती को बचाने की कोशिश है। तो ये एक बड़ी कोशिश है, बड़ी पहल है, और ये है असली नेता, ये है असली बहुजन आंदोलन। इसके बगैर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहला क्लास ये है। अच्छा, नर्सरी में मैं आया हूँ, ये देखिए नर्सरी क्लास है, और बच्चों का रिएक्शन देखिएगा। हेलो बच्चों, ये देखिए, ये तैयारी ऐसे हो रही है बच्चों। कैसे जय भीम कैसे बोलते हैं? अरे बाप रे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन सिखाता है बोलना? एक बार और बोलिए। तो ये या ऐसे विचारधारा जो है वो तैयार किया जाता है, कोई दबाव। और जय भीम बोलना कोई अपराध नहीं है, कैसे शोषण के प्रतीक है ये। डॉक्टर अम्बेडकर शोषण के प्रतीक है, इंसानियत के प्रतीक है, सावित्रीबाई फुले स्कूल के इंसानियत के प्रतीक है। तो उनसे ही बात करेंगे। कैसे हैं आप लोग?
तो आप कब से पढ़ा रही हैं? 2 साल से। शुक्रिया। तो ये ऐसे तैयार हो रहा है और जो जो स्कूल खोलेगा वो अपनी बातें आप पर थोपेगा। तो आपके बच्चे सवर्णों के स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ आपसे पढ़ेंगे और वो बोलेंगे कि वंदना करो और सावित्रीबाई फूले का नाम तो वो जानेंगे नहीं। ये कौन सा क्लास है, क्या नाम है आप लोगों का? ये देखिए, बोलिए जरा एक बार। अरे बाप रे, सारे बच्चों को बताया गया है और अब बड़े क्लास में चलेंगे। ये दरअसल इम्पोज नहीं किया गया है, तो इम्पोज नहीं किया गया, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी क्लास 10+2 तक है ना ये स्कूल? हाँ, 10+2। 10+2 तक है। कोई और कहीं और भी विस्तार किया है इसका अभी? और यही है, अभी एक ब्रांच हमारी महाराष्ट्र में है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ भी 3 एकड़ लैंड में स्कूल चालू है। देखिए, संसाधन विहीन समाज है और वो कैसे तैयार कर रहा है अपने बच्चों को वो देखिए। और नो बेनिफिट नो लॉस। सबसे 10+2 का कौन सा क्लास है? 12 का कौन सा क्लास है? लास्ट वाला है। ये देखिए, तो शानदार तरीके से यहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है। 12 का क्लास है और दिखा रहा हूँ कि सब बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, शानदार है। अरे आप लोग सबको जय भी पता है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखिए, ये मतलब ऐसे ऐसे नहीं होगा। अच्छा, सावित्रीबाई फुले के बारे में कितने लोग जानते हैं? कौन थी सावित्रीबाई फुले? सावित्रीबाई फुले जिन्होंने सब मतलब हमारे देश की पहली टीचर थी, महिला टीचर, जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला। सबको पता है? तो और बाबा साहब के बारे में कितने लोगों को पता है? अच्छा, बुद्ध के बारे में, संत श्रीमणि रविदास जी के बारे में? हाँ, अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? तो आगे पढ़ लिख के क्या करना है? आईपीएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, और आप लोगों को क्या, आपको क्या करना है? इंजीनियर। अच्छा, सपने बड़े देखना चाहिए, तो ये भी एक बड़ी जरूरी कोशिश है। कैसे आपके बच्चों को वहां ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको जाति सूचक बातें कही जाती है। जेएनयू में मैं जानता हूं मैनेजर पांडे जैसे लोगों ने, वो बैल कहते थे बहुजन समाज के लोगों को। ये कौन सा है? +1 है। अच्छा, इसमें आप ही टीचर? अच्छा अच्छा, तो ये देखिए +1 की स्कूल है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बयां हो रहा है। ये कोशिश करनी पड़ेगी आपको बहुजन बदलाव के लिए, और जिन्होंने भी कोशिश की मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और ये कोशिश, और सोचिए कि इस तरह की अगर कोशिश नहीं करेंगे तो एक बेहतर समाज नहीं बना पाएंगे, एक बेहतर। अच्छा, ये पढ़ने लायक है। क्या लिखा है? बुद्धा वाज आस्क्ड, व्हाट हैव यू गेन्ड फ्रॉम मेडिटेशन? ही रिप्लाइड, नथिंग। हाउएवर बुद्धा से, लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव लॉस्ट। आई लॉस्ट एंगर, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ ओल्ड एज and death. Achha. And this is written by one of the houses called Shaheed Bhagat Singh House. There are 3-4 houses every day, different houses. अच्छा, बुद्ध से पूछा गया कि आपने आज मेडिटेशन में क्या पाया? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं पाया, मैंने गुस्सा और तनाव और असुरक्षा का भावना और फियर ऑफ ओल्ड एज, मतलब बुढ़ा होने से और मरने से, इनसे मैं मुक्त हुआ। तो ये देखिए, ये ऐसे बदल रहा है बहुजन समाज। और ग्राउंड भी दिखाऊंगा, और आप लोग कुछ कह रहे थे क्या परेड के लिए, तो ग्राउंड दिखाऊंगा। ये शानदार है स्कूल, और ऐसे बनेगा बहुजन समाज। अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो फिर मुश्किल है। सरकार ने किस तरह से स्कूलों को स्लेट हटा के प्लेट पकड़ा दिया है, वहां सरस्वती वंदना से शुरुआत होती है। हम लोग उसी स्कूल के हैं, मैंने तो इतनी पिटाई खाई है वंदना न करने की वजह से। पता नहीं, मुझे कभी भी सरस्वती वंदना में राश नहीं आता था, मुझे लगता था ये कर्मकांड है। तो ये स्कूल का ग्राउंड है, और अगर वो आ सकते हैं तो बुलाइए बच्चों को। हाँ, तो ये दिखा रहा हूं मैं आपको, और ये ग्राउंड है। और देखिए कि संसाधन विहीन समाज है सर, 20 सालों की मेहनत है ये आपके। हाँ, और अभी हम लोग इतना ही तक पहुंच पाए हैं। हाँ, सोचिए, उनके सारे स्कूल जो है वो होटल की तरह बड़े बड़े स्कूल उन्होंने खोल रखा है, वहां से पैसा भी कमाते हैं और अपने अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाते हैं, कर्मकांड को भी आगे बढ़ाते हैं।
और हमारे लोग के पास कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज के लिए अगर आप सही में काम कर रहे हैं तो ये असली काम है। मैं बाकी की अपनी पूरी जिंदगी अगर मेरे पास लंबी उम्र रही या उम्र रही तो मैं इसी काम में लगाऊंगा। और मैं भी चाहता हूं कि मैं स्कूल शुरू कर दूं, क्योंकि ये असली लड़ाई है, ये ऐसे बदलेगा बहुजन समाज। और इस तरह के जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं उनको आपको आंदोलन में, पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। और ये तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं सर, थैंक यू जो आपने मुझे यहां बुलाया। और आगे क्या इरादा है, इस तो पूरे देश में फैलना चाहिए। अगर मैं कहीं बिहार में एक स्कूल बनाना चाहता हूं ऐसा, तो कैसे क्या किया जाए? हाँ, वहाँ पर जो अंबेडकर माइंड के लोग हैं, बुद्धिस्ट माइंड के लोग हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, उनको जाकर हम बताएंगे कि स्कूल है ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने जो मिशन के, अपने जो रहवर हैं उनकी शिक्षा बता सकें। और इसमें एक डेडिकेशन के साथ, अच्छा वो लोग जो स्कूल खोलते हैं उसमें तो सरकार जीरो बैलेंस पर जमीन देती है उन लोगों को, लेकिन हमको नहीं देगी ना, क्योंकि हमारी पहुंच नहीं है। हमारे MLA MP वगैरह हैं, वो हमारी तो सुनते ही नहीं है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। अगर हमारा समाज ही अपनी पॉकेट से, जो बाबा साहब ने कहा था 5% वो देना शुरू कर दें, तो हमको किसी गवर्नमेंट फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी है कि जितने प्राइवेट स्कूल अस्पताल देख रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देती है सरकार 100 साल के लिए, 200 साल के लिए लीज पर। वो इवन बैंक से लोन मिलता है और तब जाके वो प्रॉफिट भी कमाता है। 500 से वो उसका लिंक है, उसका जैक है, उसके पैर भी है। वो 1,000 रुपए लेके जाता है और बैंक उसे 500 करोड़ का लोन दे देती है, 2,000 करोड़ का लोन दे देती है। लेकिन आपने तो एक बिल्डिंग ऑलरेडी बना रखी है, तो आपको तो सरकार को देना चाहिए। अगर अपनी सरकार आए तो दे सकती है ना। सरकार तो जो उनके सरकारी बिल्डिंग है उनकी देखभाल नहीं करती आज की, लेकिन जो सवर्ण लोग हैं उनको तो दे रही है स्कूल खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए सरकार पैसे। हाँ, वो देगी तो हमको खुशी होगी, लेकिन नहीं मिल रहा ना। अगर वो मिल नहीं रहा, हम कुछ नहीं करें, वो भी ठीक बात नहीं है। तो बहुजन समाज के लोग अपनी मेहनत से, अपने मेहनत से कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहिबा है और टीचर से पूरा सहयोग मिलता है। बिल्कुल है? पूरा सहयोग मिलता है। कैसा लगता है, मतलब सेटिस्फेक्शन है या मतलब है? बहुत सेटिस्फाई हूँ कि लाइफ में कुछ किया है। बाबा साहब के नाम पे स्कूल खोला, उसका मुझे बहुत प्राउड है, प्राउड फील करती हूँ। और इसके लिए गिंडा जी का बहुत थैंक्स करती हूँ, उन्होंने हमें ये मॉरल। देश भर में स्कूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, देश भर में गाँव गाँव में होना चाहिए ऐसे स्कूल, क्योंकि आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है बाबा साहब की, उनके विचारों को फैलाना, बुद्धिज्म को फैलाना, तो आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए ये स्कूल सबसे अच्छा माध्यम है। आप यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करते हैं, बच्चों को बुद्धिज्म सिखाते हैं और बाबा साहब के बारे में बताते हैं, जो अपनी रहबर है सभी के बारे में बताते हैं। चलिए, तो नेशनल दस्तक की कोशिश है, हमारे पास मीडिया भी नहीं था इस तरह खबरें। सर, आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो किस नंबर पर करें, आप नंबर बता दीजिए देश। हाँ, के लोग, चूंकि आप संपर्क करेंगे। हाँ, लोग आपसे, जो हमारे इधर के जो कैप्टन है मिस्टर हुसैन लाल जी, मैं उनका ही नंबर देता हूं, क्योंकि मैं तो बाहर चला जाऊंगा और फिर बहुत कनेक्ट पता भी नहीं होता। तो यहां का नंबर है 9988393442 और नाम है मिस्टर हुसैन लाल। हुसैन लाल साहब, ये बताइए, अगर आगे लोगों को आपसे जुड़ना हो तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें? इसी नंबर पे एक बार फिर से बता दीजिए। 9988393442। इसके साथ हमारे प्रेसिडेंट है, उनका नंबर भी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ हमारे कैशियर है राहुल वैद जी, जो रिटायर हुए हैं एज ए जे, और पूरी जो रिटायरमेंट के बाद पूरा जो लाइफ है वो समाज के लिए समर्पित किया है हमारे जो प्रेसिडेंट है। अगर आप भी स्कूल खोलना चाहते हैं तो इन लोगों से संपर्क करिए, जरूर अनुभव की मदद मिलेगी, प्लान में मदद मिलेंगे। और बिना स्कूल खोले जब तक पढ़ेगा नहीं बहुजन, तब तक जगेगा नहीं। और इसलिए मैं ज्योतिबा फुले की एक लाइन से खत्म करता हूँ कि जानबूझकर आपको गुलाम बनाने के लिए विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप सब लोगों का, यहाँ मुझे मौका मिला और मैं सच कहता हूँ यही बहुजन आंदोलन है। हाँ, क्या करते हैं सर? जी शुक्रिया। तो इस तरह की कोशिश करनी पड़ेगी और मैं ये कोई प्रचार प्रसार के लिए नहीं कह रहा, मैं सचमुच खुश हूँ। अद्भुत है स्कूल, और अगर इस तरह के स्कूल जब तक नहीं बनेंगे तब तक बहुजन आंदोलन कम से कम आगे नहीं बढ़ेगा, बुद्धमय भारत नहीं होगा। शुक्रिया आप सब लोगों का हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जालंधर, पंजाब। प्राइवेट स्कूलों में इसे असेंबली कहते हैं और वहीं पर बच्चों को मानसिक डोज दिया जाता है। तो बहुजन समाज के लोग जब स्कूल शुरू करेंगे तो उसका असेंबली कैसे होगा? उनके असेंबली में कर्मकांड होते हैं, वंदना होती है, जो वो इनके असेंबली में वैज्ञानिक सोच होती है, बुद्ध को मानने वाले लोग होते हैं। और शुरू कर दीजिए।
ये वैचारिक लड़ाई है और जब तक आपके इस तरह के संस्थान नहीं होंगे इस वैचारिक लड़ाई को आप जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सालों साल आपको शिक्षा से दूर रखा है और वैचारिक लड़ाई में वो जीतते रहे, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज खड़े किए हैं। आपको करना पड़ेगा इस वैचारिक लड़ाई को जीतने के लिए। पालन करके मैं
तो ये वैचारिक जो लड़ाई है उसमें तभी आपको सफलता मिलेगी जब आप इस तरह के स्कूल चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जिंदगी में कभी हमें ये लगे कि हमारे साथ कोई नहीं है, सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, तो हमें सब कुछ भूल कर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लक्ष्य को पाने के लिए पाने में जो भी मुश्किलें आती है वह कुछ समय तक होती है, वह हमेशा साथ नहीं रहती है। हमें इनसे डर कर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। देखिए इसी स्कूल में संविधान को लेकर कितनी संजीदगी है और बच्चों को शुरू से ही संविधान के बारे में बताया जाता है। ये संविधान का जो प्रियम्बल है वो भी इस स्कूल में लगने वाला है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।